रोड पर बने धार्मिक स्थल हटाए जाने के बाद हिंदू संगठनों ने जमकर प्रशासन के खिलाफ किया विरोध प्रदर्शन, साथ ही की नारेबाजी। खबर औरैया जिले से है। शहर कोतावली के दिव्यापुर रोड पर बने धार्मिक स्थल को कोर्ट के आदेश के बाद हटाए जाने के बाद हिंदू संगठनों ने रास्ता जाम कर प्रशासन के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन व नारेबाजी की। आरोप है कि मंदिर कई वर्षों पुराना है, जबकि हाईकोर्ट के आदेश के अनुसार वर्ष 2011 के बाद बने ऐसे किसी धार्मिक स्थल को तोड़ने के निर्देश है जो कि अवरोध उत्पन्न करता हो। सड़क पर बैठकर हिंदू संगठनों के साथ आम लोगों ने भी प्रशासन की इस कार्यवाही को एक तरफा और नियम विरुद्ध बताया। हिंदुओं की आस्था पर कुठारघात और जन भावनाओं को भड़काने वाली कार्यवाही करार दिया गया है। ब्राह्मण महासभा के प्रदेश अध्यक्ष ने भी औरैया जिला प्रशासन की इस कार्यवाही को मनमानी कार्यवाही बताया है। वहीं जिला प्रशासन के अधिकारियों का कहना है कि वह हाईकोर्ट के आदेशों का पालन कर रहे हैं। कल औरैया प्रशासन ने औरैया के 3 मंदिरों को रात में पूरे प्रशासनिक अमले के साथ रात के अंधेरे में 1 बजे से 1:30 बजे के बीच में जेसीबी और भारी पुलिस बल के साथ जमींदोज कर दिया। जब सुबह श्रद्धालु वहां मंदिरों पर पूजा करने के लिए पहुंचे तो उनको मंदिरों की मूर्तियां तक गायब मिली। जिस स्थान पर हम बैठे हैं, इस स्थान पर कल शाम तक एक देवी माता का और मंदिर हुआ करता था, आज वो उस मंदिर के अवशेष तक यहां बकाया नहीं बचे। जब सुबह हम लोगों ने प्रशासन के लोगों से बात की तो उन्होंने हम लोगों को सुप्रीम कोर्ट के किसी आदेश का हवाला दिया कि उस आदेश के अनुपालन में इन मंदिरों को जमींदोज किया गया है। जब उस आदेश का हम लोगों के द्वारा अध्ययन किया गया तो उस आदेश में बहुत स्पष्ट तौर पर लिखा था कि 2011 या उसके बाद ऐसे धार्मिक निर्माण जो किसी मार्ग पर या सार्वजनिक स्थान पर पब्लिक के आवागमन में बाधा बन रहे हो, उनको उन मंदिरों उन धार्मिक स्थानों के प्रबंधन की सहमति से या तो दूसरे स्थान पर शिफ्ट कर दिया जाए। यदि प्रबंधन द्वारा इस बात पर असहमति जताई जाती है तो उनके ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जाए। लेकिन जिला प्रशासन ने मनमाने तरीके से 45 साल पुराने मंदिर जो इस नगर की उनको जमीन दोज कर दिया, उन पर हिंदू धर्मावलंबियों की भावनाओं को आग करने का काम किया है। निहायत ही निंदनीय कृत्य रहा ये। रात के अंधेरे में चोरों की तरह हिंदू धर्म के भावनाओं को इन्होंने खिलवाड़ करने का जो प्रयास किया है, आज सारे हिंदू धर्मावलंबी उसी प्राचीन मंदिर की भूमि पर बैठकर हनुमान चालीसा का पास पाठ जो है वो विरोध प्रदर्शन शुरू कर रहे हैं। प्रशासन का क्या कहना है इस दौरान? प्रशासन की ओर से अभी तक कोई संतोषजनक उत्तर नहीं आया है। जिम्मेदार अधिकारी SDM सदर अभी यहाँ काम पे चले गए, लेकिन उनकी ओर से कोई ठोस उत्तर नहीं आया। अभी एसडीएम साहब से आपके कुछ वार्तालाप हुई? क्या वार्तालाप हुई? हमारी बात हुई है, लेकिन SDM साहब ने अभी तक उसका कोई ठोस कार्य योजना हमारे सामने प्रस्तुत नहीं की। आपकी क्या मांग है? हमारी मांग है कि जिन मंदिरों का ध्वस्तीकरण किया गया है उन मंदिरों में जीवित भगवान के रूप में प्राण प्रतिष्ठित भगवान की मूर्तियों को सुसम्मान पुनर्स्थापित किया जाए, हमारी एकमात्र मांग यही। एक और निर्माण का श्रेय ले रही है हम उसी हिंदू समाजी सरकार से। यह हम हिंदुओं के 500 सालों के संघर्ष का सिला आपको हजारों मंदिर तोड़कर दिया जाए। जनता का यह भी आरोप है कि जिला प्रशासन के द्वारा बिना पूर्व सूचना दिए ही मंदिरों को हटाया गया, मजारों को भी हटाया गया। क्या पूर्व सूचना देना जिला प्रशासन का कर्तव्य नहीं बन रहा था? टॉप स्टोरी ब्यूरो के लिए औरैया से जाहिद अख्तर की रिपोर्ट।